Assalamu alaikum, students of class 9. I hope you all are doing good and you all must be studying as this is very important year. From here your important years are going to be start, which are going to be your career oriented years. 9th, 10th, 11th and 12th are the most important classes of your career building years basically. आपका entire career in classes के ऊपर base करता है, तो you shall be very focused about your studies. Shall be very concerned about them. Hopefully schools are going to open for 9th, 10th, 11th and 12th up till now. अभी तक कोई ऐसा official notice नहीं आया, but we are hoping that के for 9th school will from 9th class school is going to be schools are going to be opened soon inshallah. Okay, तो हमने जो है ये chapter number 4 discuss किया था. चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने जो जिन लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल की हमें बेसिकली इन्वेंशंस दी थी, हमने उनकी इन्वेंशंस डिस्कस की थी कि किस किस ने पीरियोडिक टेबल का क्या क्या आइडिया और कंसेप्ट दिया था. इन दिस वीडियो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेलियंट फीचर्स के क्या थे, उसके सेलियंट फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और फर्दर इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर वील कम्प्लीट दिस चैप्टर. ओके, हेयर यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न हमारा पीरियोडिक टेबल है. और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, ठीक है. जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल रॉज हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. तो एज़ यू कैन सी कि हॉरिजॉन्टल जो रॉज हैं वो कितनी हैं, 7 हैं, 1, 2, एंड इट्स मैंशनड हेयर पीरियड्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और जो ग्रुप्स हैं वर्टिकल, वो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है. लेकिन हम उनको, अगर हमारा पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो हम इसको 7 ग्रुप्स कंसिडर करते हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं. वो हम फर्दर डिटेल में आपको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी या कॉपी वर्क, तो देयर इज़ मैंशनड, इट इज़ मैंशनड ओवर देयर, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर बस 2 ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम. और सेकेंड पीरियड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 8 एलिमेंट्स. जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, और बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम एल एंड एम शेल. वो कवर करता है हमारे पास हमारा सेकेंड और थर्ड पीरियड, ठीक है. इसके बाद हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, यू कैन सी इट ओवर हेयर. और सेवन्थ पीरियड हमारा इनकम्प्लीट है. सेवन्थ पीरियड के अंदर 109 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. अच्छा, ये जो हमारे पास नीचे जो 2 सीरीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लाइट पिंक एंड डार्क पिंक कलर, ये लेंथेनाइट्स और एसिटेनाइट्स हैं. लेंथेनाइट्स और एसिटेनाइट्स ये भी सेवन्थ ब्लॉक, जो हमारा सेवन्थ पीरियड है उसका पार्ट है, लेकिन हमारा जो सेवन्थ पीरियड है वो बेसिकली इनकम्प्लीट पीरियड है. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में वी हैव 7 पीरियड्स. अच्छा, यहाँ पर हम ग्रुप्स भी 7 हैं हमारे पास. जो ग्रुप 1A है हम उसको बोलते हैं लिथियम फैमिली, ठीक है. हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लिथियम फैमिली. इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप 2 है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बेरिलियम फैमिली. इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है, जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 13. 13 हमारा जो 13 ग्रुप मेंशन किया हुआ है वो हमारा ग्रुप 3A है, और इट इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम बोरॉन, तो इट इज़ कॉल्ड बोरॉन फैमिली. इसी तरह से जो 14 है, दैट इज़ ग्रुप 4A, दैट इज़ कार्बन फैमिली. ग्रुप 15 इज़ ग्रुप 5A, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली. और ग्रुप 16 इज़ ग्रुप 6A, दैट इज़ ऑक्सीजन फैमिली. ग्रुप 17 इज़ ग्रुप 7A, दैट इज़ फ्लोरीन फैमिली. वी कॉल देम हेलोजन्स. इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम हेलोजन्स कहते हैं. फ्लोरीन फैमिली इज़ एन ओल्ड टर्म, हम इसको हेलोजन्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे हेलोजन्स होते हैं, इसके अंदर सारी गैसेज हैं एक्सेप्ट फ्रॉम ब्रोमीन. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो 18 है, ये हमारा ग्रुप 8A है. इनको हम बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या नोबल गैसेस. इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है. तो जो हमारा ग्रुप 8 है वो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल ग्रुप, मतलब स्टेबल मोस्ट क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल ग्रुप. इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स कंप्लीट हैं, तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता, इसीलिए हम इसको स्टेबल बोलते हैं. ओके,
अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ मेंशनड हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेटालिक बिहेवियर होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो SPDF ब्लॉक्स में होते हैं, उनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी बहुत हाई होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो एस और पी ब्लॉक में सिर्फ लोकेटेड होते हैं, उनका अपीयरेंस डल होता है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट इज़ वेरी लो, और इनके अंदर मेलेबिलिटी डक्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं बेसिकली, दे आर दी गेनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी हाई। और मेटल्स जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज़ वेरी हाई। अच्छा जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अंदर बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेटलॉइड्स सिर्फ हमें पी ब्लॉक में लोकेटेड हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है, और दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेटलॉइड्स नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी गुड होती है, लेकिन इट इज़ लेस देन इन मेटल्स, क्योंकि जाहिर है जो मेटल्स की थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ मेरे पास डेफिनेशंस हैं, लिसन देम एंड दे आर विल बॉन्ड देम इन ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द टर्म विच इज़ डिफाइंड एज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इन द गैशियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेंडेंसी होती है बेसिकली कि आपके पास जो आपका एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आए, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो अभी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम आ जाएंगे एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियाई हम किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर न्यूक्लियस ऑफ द सिमिलर एटम, यानी अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, हम उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों हम इलेक्ट्रॉनिक एटम की टेंडेंसी के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके अंदर एक एटम जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव चार्ज अपेयर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, ठीक है, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इट कैन बी टू, इट कैन बी फोर, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर पेयर्स। हियर वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर, और यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी इनको हमने इन टर्म्स में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर ये किस तरीके से होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो आई एल प्रिपेयर इट, लेकिन अपकमिंग वीक में आई एल बी प्रोवाइडिंग यू विद द यू नो कॉपी वर्क, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में ये वाले चैप्टर का कॉपी वर्क कर लीजिएगा। मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी जिस वीडियो में यू विल बी प्रोवाइडेड विद मोर बेटर एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, के ये ट्रेंड्स क्या हैं,
हमने इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, लेकिन बेसिकली ये अपने पीरियोडिक टेबल में इनका क्या काम है, तो वो जो देयर वर्किंग देयर फंक्शन इन द पीरियोडिक टेबल विल बी डिस्कस्ड इन द ट्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो. तो वेट फॉर दैट. एंड इन द अपकमिंग वीक आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द कॉपी वर्क ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. इससे पहले आप लोगों को जो भी कॉपी वर्क प्रोवाइड किया गया है, प्लीज़ मेक श्योर टू कम्प्लीट इट.